हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। आज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने वाली हूँ, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मतलब नापतोल। जिन बच्चों को नापतोल नहीं आता, उनके लिए मैं आज बहुत ही इजी ट्रिक एंड एग्जांपल्स लेकर आई हूँ, जिससे बच्चे अच्छे से मेज़रमेंट को समझ सकेंगे। ठीक है ना गाइस, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखा हैज़ अ लॉन्गर टेल। यहाँ पर टिक का निशान लगाना है उस पर जिसकी लॉन्ग टेल है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए इसकी और इसकी, इन दोनों में से किसकी लॉन्ग टेल है? लॉन्ग टेल इसकी है, इसलिए हमने इस पर राइट का निशान लगाया। ठीक है ना गाइज, यहाँ पर है हैज़ अ शॉर्टर नेक, जिसकी गर्दन छोटी है उसे हमें राइट का निशान लगाना है। इसकी देखिए गर्दन लंबी है, इसकी गर्दन छोटी है, इसलिए इस पर हमने राइट का निशान लगाया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए जो हैवियर है, इज़ अ हैवियर लिखा है, जो वज़न में हेवी है। ये देखिए ये वज़न में लाइट है, क्योंकि ये एकदम फर है जो बहुत लाइट होता है। ठीक है, ये कपड़ों का बंडल है जो कि हेवी होगा, इसलिए हम इस पर राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए ये है बेट, इज़ अ लाइटर वेट, जो लाइटर है उसको हमें राइट का निशान लगाए। ये बेट है, ये गेंद है। ठीक है गाइज, ये बॉल है और ये बेट है। बॉल और बेट में दोनों में क्या लाइट होगा? बॉल, इसलिए हम बॉल पर क्या लगाएंगे? राइट का निशान। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल द शॉर्टेस्ट डॉल। इन सभी डॉलों में जो शॉर्टेस्ट डॉल है उसे हमें सर्कल का निशान बनाना है। तो ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, सबसे छोटी ये वाली है। ठीक है ना गाइज, तो हम इस पर सर्कल का निशान बना देंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुट अ टिक अगेंस्ट द लॉन्गर रॉप। यहाँ पर दो रस्सी दे रखी है हमें, जो लंबी रस्सी है उस पर हमें टिक का निशान बनाना है। आप बताइए इन दोनों में से लंबी रस्सी कौन सी है? ये वाली, इसलिए हम इस पर राइट का निशान बना देंगे। ठीक है ना गाइस, सभी को नाप तोल मेज़रमेंट अच्छे से समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, आप वीडियो को अगर पूरी देखेंगे तो आप लोगों को आज नाप तोल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसका पार्ट वन है, नेक्स्ट पार्ट और आते रहेंगे। ठीक है गाइस, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द लाइटर फ्रूट। इन दोनों फ्रूट्स में जो लाइट वेट है उसे हमें क्रॉस का निशान बनाना है। ठीक है गाइज, यहाँ पर वाटरमेलन है जो ज़्यादा भारी होता है, यहाँ पर मैंगो है जो लाइट वेट का होता है, तो मैंगो पर हमें क्रॉस बनाना है, क्योंकि हमें बोला है लाइट वेट पर क्रॉस बनाइए। ठीक है ना गाइज, ये हो गया ख़त्म। देखिए गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नंबर द फॉलोइंग मग्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट मग। यहाँ पर हाइट के हिसाब से हमें मग को अरेंज करना है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मग है, सबसे टॉलेस्ट है, उसे हमें नंबर वन बनाना है। फिर उससे छोटे वाले को नंबर सेकंड बनाना है, उससे छोटे वाले को नंबर थर्ड बनाना है। ठीक है ना गाइज, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला मग कौन सा है? ये वाला, इसे हम बनाएंगे नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे छोटा ये वाला है, इसलिए हम इसे बना देंगे नंबर टू। ठीक है, इससे छोटा है ये वाला मग, इसलिए हम इसे बना देंगे नंबर थ्री। ठीक है, आज की मेज़रमेंट की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।